حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर साबरी उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। दोस्तों हमजात का एक और अमल मुजर्रब अमल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कलमा तैबा की पावर से और कुछ मुअक्कलात की पावर से हमजात आपके सामने हाजिर किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है। दोस्तों अमल हमेशा अपने माँ बाप की दुआ से करें और अपने मुर्शिद की निगरानी में करें, तब जाके अमल में कामयाबी के आसार नज़र आते हैं, ठीक है। दोस्तों ये अमल 21 दिन का है। प्रेज जलाली जमाली के साथ ये अमल करें, ठीक है। नौ चंदी जुमेरात को आपने ये अमल स्टार्ट करना है, यानी जब नया चांद चढ़ता है और नए चांद की जो पहली जुमेरात होती है उसको नौ चंदी जुमेरात कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। आप ये पढ़ाई सुनकर भी कहेंगे कि इन पावरों के साथ हमजाद ज़रूर पर ज़रूर मुसाखिर हो जाता है, पर शर्त ये है इनकी जो तमाम शरायत होती है इन पर अमल करना ज़रूरी होता है। दोस्तों हमजाद के लिए सबसे पहले एक सेपरेट कमरे का बंदोबस्त करना होता है, जो कमरा बिल्कुल जिसके अंदर सफ़ेदी हो, यानी कि सफ़ेद पेंट हो दीवार के ऊपर, जिसके ऊपर आपका साया जो है वो आसानी से और क्लियर नज़र आ सके। दोस्तों इस अमल का तरीक़ाकार ये है कि आपने एक चिराग लेना है दरमियाने साइज़ का, यानी उसका इतना साइज़ हो उसमें सरसों का तेल इतना आ जाए जो कि आपके 21 दिन में पूरा हो जाए, यानी उसमें और तेल ना डालना पड़े, ठीक है। वो चिराग आपने पुश्त के पीछे ऊपर करके रखना है जिसके साथ आपका साया अगली दीवार पर क्लियर नज़र आए, ठीक है। दोस्तों अपनी ज़रूरियात का सामान अपने कमरे में रख लें, बाद में 21 दिन के अंदर कोई और चीज़ भी बाहर से आप ला कर मत रखना, ठीक है। और जो इसका मुजर्रब तरीक़ाकार हमजाद के अमल का है वो है एहराम बांध कर, यानी सफ़ेद एक ही कपड़ा हो, एहराम की शक्ल में उसको बांध कर आप अमल टाइम उसको कर सकते हैं, बाद में बेशक चेन भी कर सकते हैं, लेकिन अमल के वक्त दूसरे कपड़े उतार कर एहराम की शक्ल में वो एक ही कपड़ा लपेट कर आपने पढ़ाई करने बैठना है, ठीक है। दोस्तों 21 दिन के अंदर आपने सिर्फ जौ की रोटी का इस्तेमाल करना है। जौ की रोटी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे। आपने सिर्फ जौ की रोटी का इस्तेमाल करना है और 21 दिन आपने रोज़ा रखना है। जितना आपका ये अंदर मैदा बिल्कुल खाली रहेगा, साफ रहेगा, आपको पता है ये तमाम चीज़ें पाकिजगी और तहारत पसंद करती हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप अमल स्टार्ट करेंगे आपके ख्वाब में मुख्तलिफ जो हैं वो अजायबात और नज़ारे आपको आने लग जाएंगे, लेकिन आपने डरना नहीं है बिल्कुल। बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा आप सो रहे होंगे, आपकी लात को खींच कर इधर फेंक दिया जाएगा, आपको इधर फेंक दिया जाए, आपका बाजू को लाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं आपको किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है, इसमें आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एक ही कमरे में रहना है। आखिरी दिन जाके वो जो साए पर आप नज़र जमा के पढ़ाई कर रहे होंगे उस साए में सेम आप ही की सूरत, सेम आप ही, आपके सामने आपका साया बिल्कुल आप जैसा वाज़ह हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपने डरना बिल्कुल नहीं है कि ये तो मेरी शक्ल का आदमी मुझसे बातें कर रहा है, ठीक है। ऐसा माहौल देखकर आपने बिल्कुल भी नहीं खौफ खाना, अगर आपने खौफ खा लिया तो फिर आप पूरी ज़िंदगी नुकसान उठाएंगे उसका, ठीक है।
इसलिए इन तमाम बातों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है दोस्तों। अमल शुरू करने से पहले अपना सदका लाजमी दें, ठीक है। अमल गौर से नोट फरमा लें दोस्तों, इसकी तादाद है 700 मरतबा, ठीक है। पढ़ाई का टाइम आपने रात को रखना है, इशा की नमाज के बाद कोई भी टाइम रखना है, जो भी रखना है फिक्स टाइम रखना, एक मिनट भी आपका पढ़ाई का टाइम ऊपर नीचे ना हो दोस्तों। पढ़ाई गौर से नोट फरमा लें, अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो इसको लिख लें, ठीक है दोस्तों। अव्वल आखिर 33 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई ये है, अज़म तो अलैकुम व अक्सम तो अलैकुम अजीब या इज़राइलु या ताताइलु बहक्के या लतीफ़ु बहक्के या बुद्दोख उहज़रु या हमजाद बहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों ये बहुत ही मुजर्रब पढ़ाई है हमजाद की तस्खीर करने के लिए। इसमें कलमा तैयबा की पावर है, ठीक है, मुअक्कलात की पावर है, अल्लाह पाक का नेम इसमें मौजूद है या लतीफ़ उसकी पावर है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है, ठीक है। लेकिन जो भी अमल करें हमेशा अपने मुर्शिद की निगरानी में करें, माँ बाप की दुआ से करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर पर ज़रूर कामयाबी होती है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।